गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। मैं अपने सपना चावला चैनल पे आप सबका वेलकम करती हूँ। और ये देखिए आज की सुबह कितना अच्छा मौसम है यहाँ पर, ये देखिए वाह। ये हमारे पास में एनसीसी है, एनसीसी ऑफिस है, यहाँ कुछ ना कुछ काम चला रहता है, ये देखिए। और हस्बैंड चले गए हैं ऑफिस ब्रेकफास्ट करके, मेरा भी ब्रेकफास्ट हो चुका है, बच्चे अभी सो के उठे हैं, अभी उनको ब्रेकफास्ट दूंगी। और वीडियो पूरी देखिएगा, वीडियो छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि आज वीडियो में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। हम कुछ कुछ न्यू खेल्स खेलेंगे और आप सबके साथ शेयर करेंगे। अभी क्या करेंगे, गेम खेलोगे आप? बिजनेस गेम खेलेंगे। जैसे कि मेरा काम हो चुका है ख़त्म, लंच हमने कर लिया है और अभी टाइमिंग है गेम्स का। मेरे कुशल के लिए टाइम, मेरे मुन्ने के लिए टाइम। किटू आप जाओ नीचे, ये है मेरा डॉन, आप नीचे जाओ, चलो आप खेलो, इधर खेलो। तब अब हम इसको खोल लेते हैं अपनी गेम को। अब बारी है मनी बांटने की, देखते हैं फ्रेंड्स हम दोनों में से कौन जीतता है। मम्मा जीतती है जब बेटू जीतता है। 1 2 3 आपको क्या लग रहा है कौन जीतेगा? मैं जीतूंगी। देखते हैं।
जैसे कि मैं गेम में हार चुकी हूँ और मेरे बेटे की डिमांड है कि मम्मा आप हार चुके हो, आपको बनाना पड़ेगा हमारे लिए पिज्ज़ा, और पिज़्ज़ा तो बन के ही रहेगा भी उनके लिए क्योंकि मैं हार चुकी हूँ गेम में। और अभी कर लेते हैं थोड़ी रेस्ट, क्योंकि आज सुबह से मैंने बिल्कुल भी रेस्ट नहीं की है, तब से कुछ ना कुछ काम किए जा रही थी। तो अभी थोड़ा 10-15 मिनट करूँगी रेस्ट, उसके बाद उठ के देखते हैं आगे क्या करते हैं। रात को पिज़्ज़ा बना। किट्टू कैसे सो रहा है उसके साथ में? डॉन डॉन आपका, ये देखो। जब से ये हमारे घर में आया हुआ ना, तब से हमारे घर में ऐसे लग रहा है कि बहुत ही ज्यादा खुशी आ गई है। मेरे को सैंडी की बहुत याद आती है। हाँ, इससे पहले हमने रखा हुआ था, सैंडी था उसका नाम, जैसे कि पता नहीं क्यों कहाँ भाग गया, वैसे पता नहीं चला कहाँ भाग गया वो वापस नहीं आया। एक बार गेट खुल गया, गेट के बाहर गया, फिर वो वापस नहीं आया, पता नहीं क्यों, जा किसी ने बांध लिया। हमने बहुत कोशिश की इसको ढूंढने की, लेकिन वो हमें मिला नहीं। अभी इसको हम लेके आए हैं, लेकिन जिस दिन से आया हमारे घर में एकदम से खुशियां आ गई हैं। ऐसे लग रहा है जैसे सैंडी वापस आ गया। और हम लोग बहुत खुश हैं। मेरे साथ तो पूरा दिन खेलता रहता है, जैसे मैं खाना बनाती हूँ तो देखता रहता है, और जैसे मैं बैठ जाती हूँ तो इसको बिल्कुल भी, जैसे मैं बात नहीं करती तो ऐसे खुद बात करने को करता है, ऐसे अपनी अपनी आवाज में कि मेरे से बात करो, मुझसे बात करो, मुझे सहलाओ। ये देखो, मम्मी क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? मैं कुछ नहीं, बस ऐसे वेजिटेबल्स काटने की तैयारी में हूँ। डॉन को क्या हो रहा है? डॉन मुझसे बात कर रहे। डॉन अच्छा 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 डॉन बोल रहा है मेरे को खाना क्यों दिया? उसने भी खा लिया है। सोच रही मिक्स वेजिटेबल बना लेती हूँ, तो खा लोगे आप? आपने पिज्जा बोला था, पिज्जा भी बनाऊंगी, फिर आपके भाई को रोटी सब्जी चाहिए ना। चलो ठीक है, दोनों बना देना। तो मैं अभी इसको, नहीं तो ऐसा कर देंगे ना कि मैं पिज्जा खा लूंगा और आप सब ये खा लेना। अच्छा जी। मेहनत मैं करूँ और मैं बिल्कुल चेक ना करूँ? तो चेक तो कर लेना। अच्छा जी, मैं इसको पत्तों को अच्छे से साफ कर लेती हूँ पहले, फिर ये वेजिटेबल्स काट लेती हूँ। काटने के बाद में कैप्सिकम कितना अच्छा आया हुआ है ना। ये पिज्जे में भी डाल दूंगी, दो ये अंदर से एक उसमें डाल दूंगी। टोमेटो भी है। अभी इसको मैं कटिंग कर लेती हूँ, पहले पत्ता एक एक पत्ता करके साफ कर लेती हूँ पत्ता को भी, फिर कटिंग करती हूँ ना। तो क्या कर लेती हूँ, ये देखिए गाइस, तो आज बन रहा है हमारे पास पिज्जा और ये वाली सब्जी। इस सब्जी में डलेगा ये कैप्सिकम वगैरह वगैरह, ये जो भी है। ये देखिए शाम हो चुकी है, मैं आ चुकी हूँ छत के ऊपर घूमने के लिए। गाइस ये देखिए, हमारे घर के पीछे ट्रेन की पटरी है। लोग कैसे पटरी के ऊपर चल लेते हैं मुझे तो समझ नहीं आता, बड़े आराम से घूमते हैं, वॉकिंग करते हैं पटरी के ऊपर। लेकिन ये गलत है, पटरी के ऊपर कभी भी घूमना नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ के लोग हैं, मैंने देखा ज़्यादातर पटरी के ऊपर ही घूमते रहते हैं, पता नहीं कैसे हैं, क्या लोग क्या करते हैं। जैसे कि मेरा काम हो चुका है ख़त्म, डिनर हम सबका हो चुका है, बर्तन वॉश कर दिए, सारा काम ख़त्म हो चुका है। अभी मैं जा रही हूँ थोड़ी देर बैठने के लिए, बैठ के फिर मैं चलाऊंगी फोन चलाने के बाद में फिर मैं सो जाऊंगी। और कल मिलते हैं फिर अच्छी सी वीडियो के साथ में। अगर किसी भी रीजन पे आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को ऑल पे कर दीजिए, ताकि मेरी कोई भी वीडियो आए सबसे पहले आप सबके पास पहुँचे। और गुड बाय।